बिहार में सत्ता जाने तक चुप बैठने वाली बीजेपी अब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बेहद आक्रामक हो गई है। गठबंधन और सत्ता से बाहर हुई बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगा रही है। इस बीच बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर एक हैरान कर देने वाला आरोप लगाया है। दरअसल बिहार के बेतिया में आयोजित जनादेश से विश्वासघात कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि 11 जुलाई को पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आतंकी हमले की साजिश थी, पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश थी। जब इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई तो पीएफआई का लिंक सामने आया। जब अधिकारियों को लगा कि इसमें वो फंस जाएंगे तो उन्होंने तेजस्वी को समझाया कि आप और नीतीश कुमार एक हो जाइए। संजय जायसवाल ने बिहार में पीएफआई से साठगांठ कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मुंगेर और छपरा में 3 मंजिला मकान में विस्फोट को हम लोग आतंकी हमला कहते थे तो नीतीश कुमार उसे पटाखे का विस्फोट बोलते थे। पूरा बिहार आतंकियों के लिए स्लीपर सेल बन गया है। देश में कहीं भी आतंकवाद की घटना घटती है तो उसका लिंक बिहार से जुड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार को ये बात समझ नहीं आती। इसका अंतिम पटाक्षेप होता है जब 11 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले एक पूरा साजिश का पता लगता है कि 2047 में पुनः इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और उसके सारे दस्तावेज मिलते हैं। और जब यह पीएफआई का यह जो लिंक था, यह जब एनआईए को सौंप दिया जाता है, जब केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है, तो इस सरकार में जो जुड़े हुए अफसर हैं, जो कहीं ना कहीं उन सब का लिंक इन सब के साथ है, उन अफसरों को लगा कि अगर अब हम भाजपा से अलग नहीं होंगे तो राजद भी खतरे में पड़ेगा और हम सब भी खतरे में पड़ जाएंगे। और उन्हीं लोगों ने तब तेजस्वी यादव को समझाना शुरू किया कि आप लालू यादव जी के साथ, आप नीतीश कुमार जी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप उप मुख्यमंत्री पर ही कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और नीतीश कुमार को समझाना शुरू किया कि हम लोगों ने तेजस्वी यादव को बना लिया है, आप दोनों मिल जाइए जिससे कि बिहार में जितने भी स्लीपर सेल है उनसे आतंकवाद की घटनाएं घट सके। अभी 10 दिन पहले की बात है, कुछ कार्यकर्ताओं ने किशनगंज में बैठ करके एक ट्रक को रोकने का काम किया। जब उसका खोला गया डब्बा कंटेनर का तो 82 पशु निकले, 6 मरे हुए पशु निकले। होता क्या है कि जिन लोगों ने उसको रोकने का काम किया था उन सब पर 360 तक का धारा लगा दिया जाता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि जो बांग्लादेश में पशु जा रहा है उसको तुमने रोकने का काम किया। और यहाँ से सबसे बड़ा बवाल शुरू हुआ। संजय जायसवाल का ये आरोप गंभीर है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े आरोपों पर वे अब तक चुप क्यों थे? ये आंतरिक सुरक्षा का भी मसला है। बहरहाल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं में अब खुलकर जुवानी जंग शुरू हो गई है। बेतिया से रविंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट, बिहार तक।